आंध्र प्रदेश के विभाजन पर विचार करने के लिए गठित मंत्री समूह की बैठक में आज बिजली, जल और परिसंपत्तियों के वितरण और सीमा मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना। बैठक में मंत्री समूह कानून एवं प्रशासनिक उपायों के साथ हैदराबाद राजधानी के मुद्दे पर भी बातचीत करेगा। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से कम 22 लोगों की मृत्यु हो गई। गंभीरता को देखते हुए जिला आबकारी अधिकारी समेत 5 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। ब्रिटेन ने अमेरिकी जहाज में गिरफ्तार अपने 6 नागरिकों के लिए राजनयिक सहायता की अपील की है। ब्रिटेन के उच्चायोग के प्रवक्ता मार्कस विंसले ने कहा कि इस मामले में उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है। पाकिस्तान सेना ने कल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित 10 चौकियों और रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के 2 जवान घायल हो गए। गोलीबारी में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 5 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 20 से 24 अक्टूबर के बीच रूस और चीन के दौरे पर जाएंगे। रविवार से शुरू हो रहे प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की जानकारी देते हुए विदेश सचिव सुजाता सिंह ने कहा कि गगनकुलम परमाणु बिजली परियोजना के चरण 3 और चरण 4 को लेकर वार्ता अपने अंतिम दौर में है। केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना चक्रवाती तूफान फैलिन के बाद ओडिशा सरकार की ओर से किए जा रहे राहत कार्यों से संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि केंद्र की ओर से पर्याप्त राशि और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मालदीव में राजनीतिक उथल पुथल जारी। मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होने वाले पुनर्मतदान पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। पुलिस ने कहा कि वह मतदाता सूची पर प्रत्याशियों के हस्ताक्षर के बगैर चुनाव में सहयोग नहीं करेगी। सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट लेने से मना कर दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर दोहरे मापदंड इस्तेमाल करने वाली विश्व संस्था होने का आरोप लगाते हुए यह फैसला किया। हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मशहूर तेलुगु लेखक राविरू भारद्वाज का कल रात हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। राविरू भारद्वाज 86 वर्ष के थे।